अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी एक डील से जुड़ी है। डेनमार्क और कनाडा के बीच 5 दशक यानी 50 बरस से ज्यादा चल रहे विस्की वॉर पर, आपने सही सुना, विस्की, वो शराब वाली विस्की, इस पर विराम लग गया है। 14 जून को एक समारोह में दोनों के बीच विस्की की बोतल का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद दोनों देशों का झगड़ा एक छोटे से आइलैंड पर कब्जे को लेकर जो था वो खत्म माना जा रहा है। इस आइलैंड का नाम हेन्स आइलैंड। ये कनाडा के नियंत्रण वाले नुनवत और डेनमार्क से जुड़े ग्रीनलैंड के बीच में पड़ता है। ये आइलैंड 1.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे लगभग 5 गुना बड़ा है। अब समझिए कितनी छोटी जमीन है। सबसे दिलचस्प ये कि वहां पर कोई रहता नहीं, इसके बावजूद डेनमार्क और कनाडा इसके पीछे क्यों पड़े थे, कहानी है। इस कहानी का एक सिरा 150 साल पीछे खुलता है। 1880 के दशक में ब्रिटेन और कनाडा के बीच आर्कटिक के कुछ इलाकों का ट्रांसफर हो रहा था। हेन्स आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए इसे अकेला छोड़ दिया गया। 1933 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने ग्रीनलैंड को हेन्स आइलैंड का मालिकाना हक सौंप दिया। यूएन की स्थापना के बाद ये कोर्ट भंग हो गई और इसकी वजह से हेन्स आइलैंड वाले फैसले का प्रभाव भी खत्म हो गया था। 1970 के दशक में नेरेस स्ट्रेट चैनल के बंटवारे पर डील हुई। ये चैनल कनाडा और ग्रीनलैंड को बांटता है। 1973 में चैनल के बंटवारे पर डील फाइनल हुई, लेकिन हेन्स को लेकर बात आगे नहीं बढ़ सकी। हेन्स आइलैंड कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों से 18-18 किलोमीटर की दूरी पर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इस पर दोनों देशों का अधिकार बनता है। मामला उलझा तो उन्होंने तय किया कि इस पर फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन 1984 में बात अलग दिशा में मुड़ गई। कनाडा ने हेन्स आइलैंड पर अपनी सेना उतार दी। उन्होंने वहां अपना राष्ट्रीय झंडा लगाया और कैनेडियन विस्की की एक बोतल रख दी, ये दावा करने के लिए कि जमीन हमारी है। डेनमार्क को गुस्सा आ गया ये देखकर। कुछ हफ्ते बाद ग्रीनलैंड मामलों के मंत्री हेन्स आइलैंड के दौरे पर पहुंचे। डेनिश मंत्री, जहां पर एक डिपार्टमेंट था ग्रीनलैंड के मामले, उन्होंने कनाडा के झंडे और विस्की की बोतल को हटाकर अपना झंडा लगा दिया। साथ में कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है, इसकी सबसे महंगी शराब की बोतल भी रख दी और एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया कि साथ में चखना भी है। नहीं नहीं, ये नोटिस बोर्ड में नहीं लिखा था। नोटिस बोर्ड पर लिखा था वेलकम टू डेनिश आइलैंड। यहाँ से विस्की वॉर की शुरुआत हुई। दोनों देशों से तब से सैकड़ों लोग हेन्स आइलैंड का दौरा कर चुके हैं। विरोधी गुट के संकेतकों को हटाते हैं, अपने निशान छोड़ जाते हैं। अभी तक किसी झड़प की नौबत नहीं आई। इसी वजह से इस विवाद को इतिहास का सबसे विनम्र झगड़ा कहा जाता है। 2018 में दोनों देशों ने विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाई और इसकी सिफारिश पर हेन्स आइलैंड को बराबर में बांटने का फैसला लिया गया। दोनों देशों की संसद के अप्रूवल के बाद डील अमल में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर मुझे ये उत्सुकता हो रही है, जो पहली पार्टी विस्की की बोतल छोड़ के आती थी, दूसरी पार्टी उसको सिर्फ हटाती थी या घटक भी जाती थी। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सॉरी ये बोलना भूल गया। दूसरी सुर्खी यूनाइटेड किंगडम से है। 14 जून की रात भारी कट रही थी। यूके के विल्टशायर के एयरपोर्ट पर खड़ी एक चार्टर्ड फ्लाइट को उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसमें 7 लोग बैठे थे। इन्हें 6,500 किलोमीटर दूर रवांडा पहुंचाया जाना था। जिस वक्त प्लेन के कलपुर्जे कसे जा रहे थे, उसी समय फ्रांस में एक अदालत सजी थी, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ECHR। उड़ान में 1.5 घंटे बचे थे, तभी अदालत का फैसला आया। अदालत बोली फ्लाइट कैंसिल करो, इन लोगों को अभी के लिए रवांडा नहीं भेजा जाएगा। यूके की सरकार ने फ्लाइट के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था। इसके अलावा रवांडा को 1,000 करोड़ से ऊपर की रकम भी दी जा चुकी है। इतना पैसा खर्च करने के पीछे वजह क्या है, आगे बताएंगे। पहले कोर्ट के फैसले वाली खबर समझ लेते हैं। ECHR के फैसले से यूके की गृह मंत्री प्रीति पटेल नाराज हुई। बोली फैसला निराशाजनक है। इससे पहले बोरिस जॉनसन सरकार ECHR के रवैये से गुस्सा चली रही थी। अदालत के फैसले के बाद प्रेस में उनका बयान आया। बोले जरूरत पड़ी तो वे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स से यूके को बाहर निकाल लेंगे। ये कन्वेंशन क्या है? 1953 में यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर मानवाधिकार और राजनीतिक आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए थे। ये सभी सदस्य देशों पर बाध्य हैं। यूके इस कन्वेंशन का एक सदस्य है। मान लीजिए आप कन्वेंशन की सदस्यता वाले किसी देश में रह रहे हैं, किसी दिन आपको ऐसा लगा कि आपके बुनियादी अधिकारों का हनन हुआ है और आपके यहाँ की अदालत न्याय नहीं दे पाएगी। ऐसी स्थिति में आप अपना केस लेकर ECHR के पास जा सकते हैं, जैसा कि हालिया मामले में हुआ। इराक से बोट के जरिए यूके पहुंचने वाले शख्स ने ECHR का दरवाजा खटखटाया। वकीलों का दावा कि रवांडा में उसकी जान को खतरा है। यूके सरकार जल्दबाजी में उसे बाहर निकाल रही है। उसी केस की सुनवाई के बाद अदालत ने फ्लाइट पर रोक लगा दी। इराकी शख्स विल्टशायर की चार्टर्ड फ्लाइट में बैठे 7 लोगों में शामिल था। यूके की हाई कोर्ट जुलाई के महीने में सरकार की रवांडा पॉलिसी पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें देखा जाएगा कि इस पूरी पॉलिसी का चरित्र कानून सम्मत है या नहीं। ECHR ने कहा कि तब तक किसी भी शरणार्थी को जबरदस्ती रवांडा ना भेजा जाए। अब सवाल यह आता है कि रवांडा पॉलिसी आखिर है क्या।
आपने खबरों में अक्सर ये सुना होगा कि अवैध शरणार्थियों से भरी नाव समंदर में डूब गई। आपको समंदर किनारे पड़े बच्चे एलन कुर्दी की तस्वीर याद है? वो सीरिया का बच्चा था, घर वालों के साथ भागकर ग्रीस जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी नाव डूब गई। मिडिल ईस्ट के कई देशों में सिविल वॉर चल रहा है, वहां के लोग शांति और बेहतर जिंदगी की तलाश में जोखिम लेते हैं और यूरोप के देशों का रास्ता पकड़ते हैं अवैध तरीके से। 2021 में 28,000 से ज्यादा शरणार्थी अवैध तरीके से यूके पहुंचे थे। इस साल ये आंकड़ा और ऊपर जा चुका है। सरकार का कहना है कि इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरे अपराधों का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए अप्रैल 2022 में यूके ने एक पंचवर्षीय योजना तैयार की, रवांडा से संपर्क किया, कहा कि तुम इन शरणार्थियों को अपने यहाँ रख लो, बदले में हम तुम्हें खूब सारा पैसा देंगे। कितना? एक साल का लगभग 12,000 करोड़ रुपया। रवांडा इसके लिए तैयार हो गया। इस प्लान के तहत अवैध शरणार्थियों को रवांडा में स्थायी तौर पर रिफ्यूजी के तौर पर रहने दिया जाएगा। प्लान फेल हुआ तो वे किसी तीसरे सुरक्षित देश में शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। रजामंदी के बाद यूके में लिस्ट बनाई गई। 14 जून को पहली फ्लाइट की उड़ान तय थी, पर इसके खिलाफ लंदन की एक अदालत में याचिका भी दायर हुई। अदालत ने रोक लगाने से मना कर दिया। फिर एक शरणार्थी के वकील ECHR पहुंच गए और वहां से मिल गया स्टे ऑर्डर। पहली उड़ान में शुरुआत से अड़ंगा लग रहा था। पहले तय हुआ कि 37 लोग भेजे जाएंगे, पर कानूनी अड़चन के चलते आखिर में 7 लोग ही बचे और ECHR के स्टे के बाद ये फ्लाइट भी रद्द हो गई, तो 7 भी नहीं जा पाए। जानकारों की माने तो इससे बोरिस जॉनसन सरकार को झटका लगा है, हालांकि वो अपना प्लान बदलने के लिए तैयार नहीं है। साफ है आने वाले दिनों में यूरोप में बड़ी कानूनी तकरार देखने को मिलेगी रवांडा प्लान पर। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी आर्थिक संकट से जुड़ी है। दो मामले हैं, दोनों भारत के पड़ोसियों से जुड़े। पहला अपडेट श्रीलंका से। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच सरकार नित नए उपाय अपना रही है। 14 जून को कैबिनेट ने आर्थिक सुधार के लिए कई दिलचस्प ऐलान किए। अब से सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। अगले 3 महीने तक हर शुक्रवार को हॉलीडे रहेगा। ये स्कीम डिफेंस, हेल्थ और दूसरे जरूरी सेक्टर के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। श्रीलंका में खाने पीने के सामान और बिजली की भारी कमी है। सरकार ने इसी कमी को पाटने के लिए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने का ऐलान किया। एक्स्ट्रा छुट्टी से बिजली की बचत की जा सकेगी। स्टाफ को कहा गया कि वे छुट्टी लेकर खेती करें। पिछले हफ्ते जारी UN की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में 5 में से 4 लोग एक टाइम का खाना छोड़ने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। इससे पहले श्रीलंका के कृषि मंत्री ने किसानों से धान की खेती करने की अपील की थी। इसके अलावा 12 करोड़ रुपए से ऊपर कमाने वाली कंपनियों पर 2.5% का टैक्स लगाने के लिए भी कैबिनेट ने ऐलान किया है। इसे सामाजिक योगदान कर का नाम दिया गया है। श्रीलंका सरकार इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से भी मदद की उम्मीद लगा रही है। जानकारों की माने तो सुधार के उपाय दूरगामी है, यानी लंबे वक्त में उनका असर दिख सकता है। फिलहाल श्रीलंका के लिए प्रार्थना की जा सकती है। दूसरा अपडेट पाकिस्तान से है। पाकिस्तान भी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कम चाय पीने की सलाह दी है। पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने कहा, ज़्यादा चाय पीने से सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। लोग दिन में 1-2 कप चाय पिए तो भार कम हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है, मतलब पाकिस्तान में चाय के चुस्टर सबसे ज़्यादा है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2020 में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की चाय खरीदी थी। इससे पहले इकबाल दुकानदारों को जल्दी दुकान बंद करने की सलाह दे चुके हैं। बोले कि दिन में दुकान चलेगी तो बिजली की खपत कम होगी। मतलब काफ़ी चमन लोग हैं। पाकिस्तान का आर्थिक संकट कितना बड़ा है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। इससे अधिकतम 2 महीने का आयात किया जा सकता है और इसी वजह से मई में वहां की सरकार ने लग्जरी सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पाकिस्तान लंबे वक्त से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बना है। इसके चलते उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद नहीं मिल पा रही। 14 जून को बर्लिन में FATF की बैठक शुरू हुई। कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो सकती है। इसी आर्थिक संकट ने इमरान खान को घुटनों पर ला दिया था। क्या शहबाज शरीफ खुद को उस नियत से बचा पाएंगे? देखते हैं, लेट्स सी। आज का दुनियादारी यहीं ख़त्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।